अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 7 ध्येय बुद्धि च ध्यास, इस पाठ को जो है तो हमने मराठी में मैंने आपको पढ़कर सुनाया, अब हम उसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ध्येय बुद्धि च ध्यास, ध्येय ध्यास ध्येय एक किसी चीज को किसी मंजिल को पाने की चाह। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आदिवासी मुर्गा जो है तो उसे आदिवासी मुर्गा से मुराद क्या है, जंगल में रहने वाला। अब उसे एक परिंदा दिखता है जंगल में, अचानक वो एक जगह एक तालाब में एक नदी में पानी पीने के लिए जाता है, और जब अपने पानी पीने के लिए उंगली बनाकर वो पानी पीने की कोशिश करता है, इस तरह इन उंगलियों ने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर जब वो पानी पीता है तो उस पानी में उसे एक परिंदे की एक पक्षी की जो है तो छाव नजर आती है। तो उसे देखता है ऊपर मुंह कर अपनी गर्दन ऊपर करके वो उसे देखता है पेड़ पर, और वो उस वक्त में जो है तो पानी पीना भूल जाता है और पानी पीना रन देता है, और वो जो है तो उस परिंदे को देखने के लिए चला जाता है। लेकिन इतफाक से क्या होता है कि वो परिंदा वहां से उड़ जाता है, उस धरती से उड़ जाता है, और वो जो है तो उत्तरी करे उत्तर दिशा में जो है तो उड़ने लगता है, और वो बच्चा वो लड़का जो है आदिवासी लड़का उस परिंदे के पीछे जाने लगता है, और जाने की शुरुआत करते करते धीरे धीरे जो है तो उस परिंदे को पाने की चाहत में इतना गुम हो जाता है कि वो उसे ये याद नहीं रहता है उसका बालपन, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ ये उसे मालूम नहीं होता। लेकिन उसका जिंदगी का वो एक ही मकसद बना लेता है कि बस मुझे परिंदा किसी भी हालत में मिलना चाहिए, मैं उस परिंदे को पकड़ना चाहता हूँ, उसके जो है तो मोर जैसे परों को सहलाना चाहता हूँ, उसकी चोंच को देखना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वो इस ख्वाहिश में जो है तो उस परिंदे के पीछे लगता है, और गाँव गाँव जब वो जाता है तो गाँव के लोग भी उसे यही कहते हैं, हाँ हमने उस परिंदे को इधर जाते देखा, इधर उठते देखा, उस दिशा में उठते देखा, इस दिशा में उठते देखा, तो ऐसा चलाया था। जाते जाते एकदम वो जो है तो बूढ़ा हो जाता है, एक बर्फ की चोटी पर जाकर जो है तो गिर जाता है, और वहाँ पर अपने आखिरी क्षण आखिरी वक्त यानी जिंदगी और मौत के बीच में का जो वक्त है, वो वक्त में वो जो है तो दुनिया से रुखसत होने होते वक्त जो है तो फिर अचानक क्या हुआ कि उसके दाएं हाथ पर वही पक्षी आकर बैठता, यानी वो जिंदगी से मायूस होने जो उसका मकसद था उसे हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी चाहत में उसका बुढ़ापा जवानी सब खत्म कर देता उसको पाने के लिए, लेकिन उसे हासिल नहीं होता। लेकिन अचानक क्या होता कि मरते वक्त वो जब इस दुनिया से रुखसत होता है, तो रुखसत होते वक्त जो है तो वो हंसते हुए चेहरे से जाता है, और उसके सीधे हाथ पर वो पक्षी आकर बैठता है, वही जिसकी वो जिंदगी में तलाश करता है, और फिर उसे देखकर वो पक्षी को सहलाता है, और इस दुनिया से जो है तो वो पक्षी को इन्हें सहलाकर उसे उसकी आवाज़ सुनकर उसे पाकर इस दुनिया से हंसते हुए जो है तो रुखसत हो जाता है। तो यही कहानी थी प्यारे बच्चों के, बच्चे ने जब मकसद बनाया पक्षी को परिंदे को पाने का, पकड़ने का, हासिल करने का, वो जरूर पूरा होता है। और फिर यही कहानी जो है तो आदिवासियों लोगों में जो है तो बहुत मशहूर हुई, और आदिवासी उस बच्चे की कहानी से जो है तो मुतासर होने लगे, सबकदोश होने लगे। यही कहानी जो है तो इस सबक में बताई गई। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक नंबर 7 ध्येय बुद्धि च ध्यास ये जरूर समझ में आया होगा, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। और पहले बच्चों, आपको समझ में तो आ गया सबक, लेकिन आपको मैं नसीहत भी करना चाहूँगा साथ ही साथ कि पहले बच्चों आप भी एक अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए। हाँ, आपको आप आठवीं जमात में आ चुके हैं, और आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्या कौन सी चीज़ हासिल करनी है, उस मकसद को, उस नेक मकसद को बनाकर जो है तो आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर अपनी जिंदगी को जीने की, अपने किरदार को संवारने की, बेहतर तरीके से जीने की जो है तो आप कोशिश आपको करना है। आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को संवारेंगे, मकसद बनाकर जिएंगे, तो ही आप जो है तो जिंदगी में कामयाब सक्सेसफुल इंसान या और कुछ एक अच्छा इंसान बनकर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। नहीं तो बस आप नाम के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ बस
सुबह हो रही, शाम हो रही, उम्र तमाम हो रही, तो ऐसी जिंदगी जीकर कुछ फायदा नहीं। अपनी जिंदगी का पहले बच्चे एक मकसद बना लो कि मुझे ये बनना है, ये चीज़ पर मेहनत करनी है, ये चीज़ हासिल करनी है, इस मंजिल को पाना है, तो ज़रूर इंशाल्लाह जो तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपका मकसद नहीं गए तो मैं आपको यही नसीहत करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आए। ठीक है, खुदा हाफिज़।